प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां वोटों को लुभाने में लग गई हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव ने लखनऊ के मेयर सुखता भाटिया से खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपको। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के तर्ज पर नगर निगम चुनाव की एंट्री हो चुकी है। लखनऊ के मेयर सुखता भाटिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ रोडमैप तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर। मैडम, क्या कुछ नया रोडमैप तैयार कर रही हैं, किस तरह की मॉनिटरिंग है? चुनाव जो है सर पे है, काफ़ी तैयारियां जोरों पे दिख रही हैं, ठंड की शुरुआत हो चुकी है लेकिन चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ दिख रही है, क्या कुछ आप इसकी मॉनिटरिंग किस तरह? चुनावी सरगर्मी तो है, चुनाव आयोग का काम है वो अपना करेगा, लेकिन नगर निगम ने पूरी तरह से 5 वर्षों में जब से मैं मेयर बनी हूँ लगातार लखनऊ को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए जो संकल्प लिया था उस पर पूरी तरह से मैं काम कर रही हूँ और लगातार, और उसका उदाहरण है कि हमारी रैंकिंग 269 जब मैं मेयर बनी थी 269 हमारी रैंकिंग थी पूरे इंडिया में और इस समय हमारी यूपी में फर्स्ट नंबर पर हमारी रैंकिंग है और हम 17 नंबर पर इस समय हैं। तो 269 से सीधे 17 नंबर पे आना, ये हमारे, मैं समझती हूँ कि हमारी ये एक रिपोर्ट है जो लखनऊ को स्वच्छता की ओर ले जा रही है। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और उनके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और सारी व्यवस्था उनके मार्गदर्शन में हम लोग को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये सारे कार्य कितने धरातल पर साबित होंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुखवान श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।